Hello everyone, I'm Dr. Shilpa. As we all know that IgA nephropathy is one of the most common primary glomerular diseases worldwide. It has got a very aggressive disease course and usually presents at a young age. नमस्ते, मेरा नाम अमित पंचाल है। मैं 36 साल की हूँ और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मार्च 2014 से अचानक से मुझे पैरों और हाथों में सूजन शुरू हो गई थी, तो मैंने अपनी गायनी को दिखाया तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट रिकमेंड किए किडनी से रिलेटेड। तो जब मैंने वो टेस्ट कराए तो उसमें पता चला कि मेरी किडनी में कुछ दिक्कत है, तो मुझे नेफ्रोलॉजिस्ट को रिकमेंड किया गया। तो मैंने जब अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को किडनी के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन उसको प्रॉपर डायग्नोस करने के लिए, प्रॉपर पता करने के लिए कि किस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है, हमें आपकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो अप्रैल 2014 में मेरी बायोप्सी हुई, उसमें पता चला कि मुझे IgA नेफ्रोपैथी है। तो तब मेरा ट्रीटमेंट है, जो मेरा इलाज है, वो 2014 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा सूजन थी और जो IgA नेफ्रोपैथी की जो मुझे प्रॉब्लम है वो थोड़ी पीक पे थी उस वक्त मुझे। तो उसके अगले ही महीने पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट जो मेरी किडनी की प्रॉब्लम थी वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी और डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि नहीं, आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला कि आपको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। ऐसे ही मेरी मेडिकेशंस कंटिन्यू रही, कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट हुए और मुझे स्टमक अल्सर भी डिटेक्ट हुआ। उस वक्त जो मेरी कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा खराब हुई थी, मेरे जो हालात थे वो बहुत बुरे हो गए थे। जब एक लास्ट एक्सरे डॉक्टरों ने बोला कि एक लास्ट एक्सरे और कर लेते हैं, तब उसमें पता चला कि मुझे लंग TB है और बीच में मेरा जो किडनी की जो मेडिसिन चली हुई थी, दवाइयाँ थी, वो सब बंद हो गई थी। और जनवरी 2015 से मेरी दोबारा से, क्योंकि ATT पे कंप्लीट हो गया था मेरा और TB भी मेरा सेटल हो गया था, मेरा दोबारा से किडनी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट वहाँ स्टार्ट किया, मेरी मेडिकेशन दोबारा स्टार्ट हुई। तो जो मेडिकेशन मुझे दी वो अनफॉर्चुनेटली मेरी बॉडी पे सूट नहीं हो पाई। तो एक साल के बाद ही ऐसे 2017 मार्च के आसपास दोबारा से उन्होंने मेडिकेशन मेरी चेंज की और ये सब मेडिकेशन चली हुई थी ये मेरी कंटिन्यू रही। अच्छा, इसमें क्या था कि मेरी एक तो एबॉर्शन हो चुका था और मेरी किडनी प्रॉब्लम की वजह से मुझे दूसरे बच्चे के लिए मना था, बट मैं डॉक्टर्स की एडवाइस मानने लगी। जो डॉक्टर मुझे बोलती कि आपको ये मेडिसिन लेनी है, ये मेडिसिन नहीं लेनी, ऐसा आपको खाना है, ऐसे आपको इन्फेक्शन से बचना है, या आपको मास्क यूज करना है, मैंने वो सारी एडवाइस फॉलो की। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो एक जगह आके रुक गई। तो 2020 में मेरे को डॉक्टर ने एंड में परमिशन दी कि अब आप एक बार ट्राई कर लो बेबी के लिए, अभी आपकी सब चीजें थोड़ी सेटल है। मतलब मेरा क्रिएटिनिन भी थोड़ा सेटल था, प्रोटीन लॉस जो बॉडी से जा रहा था वो सेटल था, बेसिकली जो मेरी IgA नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम वो थोड़ी सी सेटल हो गई थी, क्योंकि मैं टाइम पे मेडिकेशंस लेती हूँ, डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करती हूँ, अपने आप को इन्फेक्शन से बचा के रखती हूँ, मास्क वगैरह मैं सब लगा के ही रखती हूँ। तो फिर मेरी कंसीविंग हुई अक्टूबर में, मुझे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला, ब्लड थिनर्स पे मुझे रखा गया, तो ऐसे मेरी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू होती रही और 27-28 वीक तक सब मतलब अच्छे से चलता रहा। फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम मेरी डायग्नोस हुई कि मुझे बच्चे के अंदर ब्लड की प्रॉब्लम आई है, AEDF की प्रॉब्लम आई है। बट इस बीच में क्या हुआ कि अप्रैल एंड में कोविड की वजह से मेरी मदर एक्सपायर हो गई, मेरी माता जी का निधन हो गया। तो उस वक्त मेरा मेंटल जो लेवल था, इमोशनली मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हुआ और 33+2 वीक्स पे मेरा जो दूसरा बच्चा है वो सिजेरियन, वाया सिजेरियन, उनको डिलीवर किया गया। उनका वजन भी 1350 ग्राम के आसपास था, बट मतलब ठीक रहा सब कुछ। मेरी इस 10 साल की IgA नेफ्रोपैथी की जर्नी में कई बार मेरा इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल बहुत ब्रेकडाउन हुआ है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल तो सबका ही होता है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ जरूर बोलना चाहूंगी कि मैंने कभी भी अपनी जो विल पावर होती है, अपनी इच्छा शक्ति है, उसको कभी भी डाउन नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे एक चीज पता थी, जहां मैंने अपनी विल पावर को डाउन किया, जहां मैंने अपनी इच्छा शक्ति को डाउन किया, वहां ये बीमारी मेरे पे हावी हो जाएगी। मबली's एक्सपीरियंस हाइलाइट्स हाउ वुमेन स्ट्रगल विद देयर डिजीज, हर करेज टू फॉलो अप विद द ट्रीटमेंट एंड अ गुड कंप्लायंस विद अ वेरी सपोर्टिव फैमिली हेल्प्ड हर सस्टेन थ्रू द डिजीज एंड इट इज अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर अदर CKD पेशेंट्स एज वेल।